नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर नगर महू स्टेशन पर ट्रैक बिछाने की तैयारियां फुल फाल चल रही है। राव महू डबलिंग और यार्ड रिमॉडलिंग डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन के दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यहां पर चल रहे हैं। आमान परिवर्तन कार्य के साथ में यार्ड रिमॉडलिंग कार्य भी यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें कि प्लेटफार्म नंबर जो वर्तमान में 2 और 3 नंबर हैं, उनका थोड़ी सी लंबाई और चौड़ाई भी बढ़ाई जाना प्रस्तावित की गई है। और ये आप देख रहे हैं जो गाड़ी है, डेमो गाड़ी, यह प्लेटफार्म नंबर 3 पर प्रवेश कर रही है। और प्लेटफार्म नंबर 1 जो पूर्व में मीटर गेज का प्लेटफार्म था, इसको अब ब्रॉड गेज का प्लेटफार्म बनाया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर ट्रैक बिछाया जा रहा, साथ ही एक और अतिरिक्त ट्रैक इस तरफ भी बिछाया जा रहा। वहीं दूसरी ओर प्लेटफार्म नंबर 4 का निर्माण हो रहा है, वहाँ एक ट्रैक अतिरिक्त बिछाया जा रहा है। कुल मिलाकर अब डॉक्टर अंबेडकर नगर महू स्टेशन पर 4 प्लेटफार्म इस वर्ष से कार्यान्वित होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। और यह आप देख रहे हैं, मीटर गेज का प्लेटफार्म पूरी तरह से ब्रॉड गेज में बदल चुका है। यहाँ पर ट्रैक भी बिछ रहा है और इसको जल्दी ही लिंक वगैरह करके यहाँ पर ट्रायल और CRS वगैरह इसका किया जाएगा। काफ़ी सहूलियत क्षेत्र की जनता को इससे मिल जाएगी। मीटर गेज के ज़माने में डॉक्टर अंबेडकर नगर महू एक प्रमुख स्टेशन था और अब ब्रॉड गेज के समय भी यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इंदौर सहित पूरे क्षेत्र में निभा रहा है। वर्तमान में इंदौर से बहुत सारी ट्रेनों को यहाँ पर स्थानांतरित करके यहाँ से चलाया जा रहा है। आने वाले समय में इंदौर स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट कार्य किया जाना है। ऐसे में लक्ष्मीबाई नगर जंक्शन और डॉक्टर अंबेडकर नगर महू स्टेशन पर काफ़ी भार भविष्य में पड़ने की संभावना है। दोनों जगहों पर काफ़ी विकास कार्य चल रहे हैं और दोनों ही स्टेशन इंदौर सहित पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आप देख रहे हैं जो शेड, काफ़ी ऊंचा शेड यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर नगर महू स्टेशन पर बनाया जा रहा, साथ ही पीछे आप देख सकते हैं हमारे बाबा साहब अंबेडकर जी के स्मारक की तर्ज पर भव्य बिल्डिंग का निर्माण यहाँ पर अंतिम दौर में चल रहा है। करीब 3-4 साल से इसका निर्माण वैसे तो चल रहा है, परंतु अब पूरा होने की ओर यह अग्रसर दिखाई दे रहा है। उम्मीद यही है कि इस वर्ष इस पूरे जो कार्य चल रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर नगर महू स्टेशन पर, इनका समापन हो जाए और चारों प्लेटफार्म कार्यान्वित हो जाएं, जिससे कि बहुत सारी ट्रेनें उपलब्ध होंगी क्षेत्रवासियों के लिए। साथ ही जो राव महू डबलिंग है, वह कार्य भी इसी वर्ष पहली तिमाही में पूरा होने का दावा रेलवे कर रहा है। और जैसा कि कार्य तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, अब कह नहीं सकते हैं कि उस दौरान यह पूरा होता है या नहीं, लेकिन इस वर्ष तो कैसे भी करके डॉक्टर अंबेडकर नगर महू अपनी महत्वपूर्ण भूमिका फिर से प्राप्त कर लेगा, जो कि पूर्ण रूप से ब्रॉडगेज का स्टेशन यह कहलाएगा। आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्टिविटियाँ मालवा सहित पूरे देश के लिए यहां से मिलने वाली है, जिसमें कि वंदे भारत ट्रेनों के साथ में मेमू गाड़ियों के संचालन की सुविधा भी शामिल होगी। और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, आप सभी का धन्यवाद।